ठीक है गुरु जी, आइए तो संडे को बताइए। एक्चुअली बता रहे थे ना हमको याददाश्त की बहुत प्रॉब्लम होती जा रही है। याददाश्त की प्रॉब्लम नहीं है। हाँ वो असल में ऐसा है ना कि बहुत ज्यादा बहुत तरह की बातें हैं, बहुत मतलब डिफरेंट डिफरेंट फील्ड जो होती है ना, तो उसमें आदमी वो थोड़ा सा इधर उधर कुछ मिसप्लेस हो जाता है। उस मस्तिष्क उन चीजों को याद रखता है ना, उसको लगता है कि ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ मस्तिष्क की एक खास खूबी होती है कि वो जो उसको लगता है कि इम्पोर्टेंट उतना नहीं है उसको भूल जाता है, और कोई और दूसरा रेफरेंस शुरू हो जाता है तो फिर पहले रेफरेंस को भूल जाता है। तो ये सब अब हमको लोगों के जैसे जिन लोगों से मिला हूँ बहुत, वो मुझे न किसी का नाम याद आता है न उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री याद आती है। एक तो ये बड़ी प्रॉब्लम, बड़ा बड़ा वो जिसे कहते हैं ना कि वो एम्बरेसिंग सिचुएशन हो जाती है। अब दुकान पर लोग आते हैं वो तो समझते हैं कि बहुत हमारे क्लोज है, और वो कोई पूछ देता है तो मुझे याद ही नहीं आता कि हमारा उनका कनेक्शन क्या है। हाँ तो इतने लोगों से मिलते हो तो उतना सबका नाम याद रखना भी तो थोड़ा सा दुरू है वो तो। और एक जो एक और गुरु जी मुझे थोड़ी समस्या याद लगती है। और वो मुझे पता नहीं क्यों जैसे मेरे माइंड को एकदम जिसे कहते हैं ना एकदम पूरा रेस्ट मिलता नहीं, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि मैं पूरी रात सपने देखता रहता हूँ। नींद नींद नहीं आ रही है क्या पूरी? नहीं नींद तो खूब आती है। हाँ लेकिन पूरी नींद भर में सपने ही देखता रहता हूँ, तो इसका मतलब माइंड उस समय भी सक्रिय है। हाँ मस्तिष्क सक्रिय है, अगर या हाइपर एक्टिविटी अगर हो जाएगी माइंड की ना तो थोड़ी सी नींद कम आती है। नहीं हमको नींद का तो कोई इशू नहीं गुरुजी, हम तो कितना भी हमको मौका मिले तो हम कितना भी सो सकते हैं। हाँ तो फिर एक बार और जहाँ तक सपने की बात है तो दिमाग प्रोसेसिंग करके सपना तो देता रहता है, ये तो दिमाग का एक फंक्शन है, उसमें तुम क्या करोगे? तो उसमें फिर दिमाग टायर्ड नहीं होता होगा उतना सपना देखने में? दिमाग टायर्ड नहीं होता है ना, वो तो अपना अपना प्रोसेसिंग कर करके उसको अपना एक जो इंडिकेशन के रूप में उसको जारी करता रहता है वो, कि ये वर्क हो गया ये वर्क हो गया या ये वर्क करना है, तो वो चीज वही सपना में आता रहता है। तो बहुत सारे लोगों को तो बिल्कुल सपना नहीं आता है। ऐसा कोई नहीं आदमी है जिसको सपना नहीं आता है, सभी को आता है। सपना नहीं आएगा तो आदमी मर जाएगा। अच्छा और क्या, सपना तो अनिवार्य है, आता है सभी को आता है, बस लोगों को कुछ लोगों को सपने याद नहीं रहते हैं, उनकी मेमोरी इतनी कमजोर होती है ना कि याद नहीं रहते। अच्छा हाँ तो कमजोर मेमोरी वाले को सपने याद नहीं रहते हैं। और दूसरी बात है कि जब हम उठते हैं तो उस वक्त क्या है कि पहले के जो सपने वे भूल जाते हैं, उठते समय यदि कोई सपना आया तो याद रहता है, उठते समय यदि सपना नहीं आया तो फिर याद नहीं रहता है, फिर कोई मतलब नहीं रहता। तो उसका एक फेज आता है, इसको जो ना रैम कहा जाता है। हाँ चलिए, तो हमको यही चिंता थी कि भाई हम जरूरत से ज्यादा सपने नहीं देख रहे हैं। जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं देखता है, जितनी जरूरत होती है उतना ही दिमाग सपना बनाता भी है, ना कम बनाता है ना ज्यादा बनाता है। हाँ तब ठीक है, मैंने वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। नहीं वो प्रॉब्लम वाली बात नहीं, तब ठीक है गुरुजी। अब एक बात और अंतिम, वो गुरुजी जरा मुझे एक आध भूल गया है, वो नवधा भक्ति के नौ जरा स्टेप खाली बोल दीजिए एक बार। अच्छा हाँ तो वो है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ठीक